भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका धर्म गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज से हम परम ब्रह्मा भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें कि आज सबसे पहले हम भगवान विष्णु के प्रथम अवतार का कथा सुनेंगे। चार नन्हे 5 वर्ष के बालक जो सदैव विष्णु भक्ति में मग्न रहते, भक्ति के अतिरिक्त उन्हें कोई भी कार्य नहीं सूझता। सुबह भक्ति, शाम भक्ति, चारों पहर भक्ति, उन्हीं बालकों के कारण ही भगवान विष्णु को विभिन्न श्री कृष्ण और रामचंद्र जी जैसे अवतार लेने पड़े। आखिर वो चार कुमार नन्हे बालक कौन थे? उन्होंने ऐसा क्या किया कि श्री हरि को विभिन्न अवतार लेने पड़े, जानेंगे आज के इस वीडियो में। श्री भागवत कथा में वर्णित इस कथा का आज हम श्रवण करेंगे। भागवत कथा तन मन को पवित्र करने वाला होता है। इससे मन का विकार दूर होता है तथा व्यक्ति भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए अपने दूसरे मन अर्थात चंचल मन की सुनकर भगवान की भक्ति से दूर मत होइए। ऐसा करके इस पवित्र कथा का निरादर ना करें और कथा को आधे में ही छोड़कर ना जाएं, अन्यथा वो व्यक्ति किसी भी जन्म में अपने पापों से मुक्त नहीं होगा। इस कथा को श्रद्धा भक्ति से सुनिए तथा पुण्य फल की प्राप्ति करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को। आइए शुरू करते हैं सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से। ब्रह्मा की उत्पत्ति जल में उत्पन्न कमल पर हुई। उन्होंने कमल के दंड के अंदर उतरकर उसका मूल जानने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जान पाए। तब वह पुनः कमल पर आकर विराजमान हो गए और सोचने लगे कि मैं कहां से आया हूं और कैसे उत्पन्न हुआ। तभी एक शब्द सुनाई दिया, तपस तपस, तथा ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक वही आँख बंद करके तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु की प्रेरणा से सृष्टि रचना का आदेश मिला। अब यहीं से शुरू होती है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार की कथा। उन्होंने सर्वप्रथम 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, सनक, सननंद, सनातन और सनत। ब्रह्मा ने इन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया, परंतु वे चारों भी सृष्टि रचना छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। अपने पुत्रों की इस हरकत से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उस समय जो 4 कुमार प्रकट हुए वे शुद्ध सतगुण स्वरूप हुए। उनमें रजोगुण तमोगुण नहीं था, न तो उनमें प्रमाद निद्रा आलस थे और न ही सृष्टि के कार्य में उनकी प्रवृत्ति थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि करने को कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्ता की यह आज्ञा स्वीकार नहीं की। विश्व में ज्ञान की परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन 4 कुमारों के रूप में अवतार धारण किया था। कुमारों की जन्मजात रुचि भगवान के नाम तथा गुण का कीर्तन करने, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने एवं पावन लीलाओं को सुनने में था। भगवान को छोड़कर एक क्षण के लिए भी उनका चित्त संसार के किसी भी विषय की ओर नहीं जाता। ऐसे सहज स्वभाव सिद्ध विरक्त भला कैसे सृष्टि कार्य में कब लग सकते थे। उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा को नकार दिया। उन्होंने कहा, हे पिताजी, हम सर्वदा भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहते हैं, हमें आप सांसारिक मोह माया में ना फंसाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भी अपने मानस पुत्रों की बात को मान लिया। इन 4 कुमारों के मुख से निरंतर हरि शरणम यह मंत्र निकलता रहता था। वाणी उनके जप से कभी विराम नहीं लेती थी, चित सदा श्री हरि में लगा रहता था कि चारों कुमारों पर काल का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहते हैं। एक बार की बात है, 4 कुमार सनकादि ऋषि भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं
और उन्होंने चारों कुमारों से वरदान मांगने को कहा। चारों कुमारों ने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। हमें आपसे यही वरदान चाहिए कि हम सदैव 5 वर्ष के बालक ही बने रहें। भगवान विष्णु ने इसका कारण जानना चाहा। उन चार कुमारों ने कहा, हे प्रभु, हम वयस्क होंगे तो हमारे अंदर मोह माया इत्यादि इत्यादि विकार आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम सर्वदा छोटे बालक ही बनकर रहें, क्योंकि छोटे बालक उनके अंदर अहंकार मोह माया नहीं रहती और हम आपकी भक्ति में सदैव लीन रहें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उन चार बालकों को तथास्तु कहकर आशीर्वाद दे दिया और तभी से वे चार कुमार 5 वर्ष के ही रह गए। थे तो वे छोटे, लेकिन अथाह ज्ञान के स्वामी थे। वे जहाँ भी जाते भगवान हरि का सत्संग करने लगते और अपने वाचक बन जाते और सुनने वाले श्रोता बन जाते। कभी कभी तो ऐसा होता कि चारों बालकों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बन जाते और इसी तरह भगवान विष्णु का सत्संग चलता रहता। उन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और कहा था, तुम्हें इस संसार में, इस सृष्टि में कहीं भी बिना रोक टोक के जाने आने की अनुमति है। तुम अपने इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हो। उन्होंने कहा, हे परम विष्णु, क्या हम आपके बैकुंठ में भी आपके दर्शन के लिए आ सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम चारों सदैव मेरे दर्शन के लिए मेरे लोक में आ सकते हो। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से अधिक और कोई कार्य उनके लिए उपयुक्त नहीं था। उन्होंने नारायण की उपासना को ही सर्वाधिक महत्व वाला माना तथा वहां से चले गए। वे चारों जहां भी जाते थे सर्वदा ही भगवान विष्णु का भजन करते थे। इन चारों कुमारों ने उदासीन भक्ति, ज्ञान तथा विवेक का मार्ग शुरू किया, जो आज तक उदासीन अखाड़ा के नाम से चला आ रहा है। चारों भाई सर्वदा एक साथ रहते थे, एक साथ ही ब्रह्मांड में विचरण करते थे तथा सभी ने एक साथ ही वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। सनकादि ऋषियों ने श्री हरि भगवान के हंसा अवतार से ब्रह्म ज्ञान की निगुण शिक्षा ग्रहण की तथा उनका प्रथम उपदेश अपने शिष्य देवर्षि नारद को दिया। वास्तव में यह चारों ऋषि ही चार वेदों के नाम से जाने जाते हैं। यह चार छोटे बालक ही चार वेद कहे जाते हैं। नारद मुनि को इन्होंने ही समस्त वेद शास्त्रों से अवगत कराया। उन्होंने अन्य ऋषियों को वेद का उपदेश दिया। इन्हें आत्मा तत्व का पूर्ण ज्ञान था। सर्वप्रथम सनकादि कुमारों ने अपने प्रिय शिष्य नारद जी को भगवत कथा सुनाई और नारद जी ने ही और बाकी ऋषियों को सुनाया। ऐसे करके श्री भगवत कथा हम सबके पास पहुंची। वे सदा दिगंबर भेष धारण किए रहते थे। संसार में रहते हुए भी वे कभी भी बंधन में नहीं बंधे। केवल मात्र हरि भजन ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। वे चारों कुमार परम सिद्ध योगी हैं। अपने परम ज्ञान तथा सिद्धियों के परिणाम स्वरूप वे सर्वदा ही सिद्ध बाल योगी से जान पड़ते हैं। ज्ञान प्रदान तथा वेद शास्त्रों के उपदेश, भगवान विष्णु की भक्ति, सनातन धर्म हेतु इन कुमारों ने तीनों लोकों में भ्रमण किया। इन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित कई स्रोत लिखे। ये तो रही सनकादि ऋषियों की जन्म की कथा, जो कि भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसे इन चार बालकों के कारण ही भगवान श्री विष्णु को अन्य अवतार लेने पड़े। एक दिन चारों सनकादि कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ जा पहुँचे। विष्णु लोक का सौंदर्य देखकर चारों सनकादि मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए। चारों कुमार द्वार की ओर आगे बढ़े, लेकिन जय तथा विजय ने सनकादि मुनियों को आगे आने से रोक दिया। उन्होंने देखा कि चार छोटे बालक नंग धड़ंग चले आ रहे हैं।
और सीधे वैकुंठ में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भगवान विष्णु के द्वारपाल जय तथा विजय ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया और बड़े ही दुष्टता के साथ वे वहां से उन्हें भगाने लगे। यह देखकर शांत रहने वाले सनकादि मुनियों को क्रोध आ गया। उन्होंने द्वारपालों को बताया कि बड़ा ही आश्चर्य है, वैकुंठ लोक के निवासी होकर भी तुम्हारा विषम स्वभाव समाप्त नहीं हुआ। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो भी व्यक्ति वैकुंठ में है उसके अंदर अहंकार कहाँ से आ गया। तुम तो भगवान विष्णु के सेवा में निरंतर तत्पर रहते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर ऐसा अहंकार कि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए दर्शनार्थियों को तुम बाहर से ही भेज रहे हो। यह बात सुनकर उन द्वारपालों ने कहा कि हे बालकों, भगवान विष्णु अभी आराम कर रहे हैं, वे अभी निद्रा में हैं, तो इसीलिए उनकी निद्रा भंग ना करो। यह सुनकर चारों मुनियों ने कहा कि हे द्वारपालों, भगवान कभी भी नहीं सोते, यदि वे सो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगा। वे तो सिर्फ आँख बंद करके अपने भक्तों को देखते रहते हैं। और आगे उन चार मुनियों ने कहा, तुम लोग यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, अतः हम चारों भाई तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम नीचे मृत्यु लोक में चले जाओ, तुम्हारा पतन हो जाएगा। और उन्होंने आगे कहा, तुम अपना देवत्व खो दोगे और पृथ्वी पर नश्वर के रूप में रहोगे और एक राक्षस कुल में जन्म लोगे। अपनी गलती का एहसास होने पर जय तथा विजय ने कुमारों के श्राप वापस लेने की गुहार लगाई। शोर सुनकर पता लगाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु द्वार पर आते हैं। जय विजय ने सारी घटना के बारे में उन्हें विस्तार से बताया और उन्होंने श्राप को वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि एक बार दिया गया श्राप कभी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे श्राप देने वाले का एवं उसके तप का अनादर होगा और कर्म चक्र भी बाधित होगा। परंतु तुम अपने स्थान पर अपना कार्य का वहन कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें इस श्राप से शीघ्र ही मुक्त होने के दो उपाय बताता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक चुन लो। पहला, तुम दोनों धरती पर 7 बार मेरे भक्त के रूप में जन्म लो, या फिर 3 बार मेरे शत्रु के रूप में और मेरे हाथों से अंतगति को प्राप्त हो। जय विजय ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान विष्णु, हम धरती लोक पर 3 बार ही जन्म लेना चाहते हैं, जिससे वो जल्दी अपने प्रभु की सेवा में लौट पाएं। तीनों जन्म में प्रभु उनका वध करेंगे, तो ऐसे में उन्हें हर जन्म में प्रभु के दर्शन होंगे। भगवान विष्णु जी उनकी भक्ति देखकर मुस्कुराएं और उनकी इंगित 3 जन्मों के लिए तथास्तु कहकर चले गए। इसके बाद जय विजय अपने पिछले जन्म में हिरण्यकश्यपु व हिरणाक्ष नाम के दैत्य बने और भगवान विष्णु ने अपने भक्त 4 सनकादिक कुमारों को यह कहा कि हे सनकादिक कुमार, मैं अपने द्वारपाल जय विजय द्वारा अनुचित व्यवहार हेतु क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद जय विजय अपने पिछले जन्म में हिरण्यकश्यपु व हिरणाक्ष के नाम से दैत्य बने। प्रिय भक्तगणों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल प्रियंका धर्म गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जान लेते हैं वो दोनों द्वारपाल जय तथा विजय किन किन रूपों में जन्म लेते हैं और भगवान विष्णु उनका कैसे उद्धार करते हैं। जब हिरणाक्ष ने एक बार धरती को उसकी कक्षा से बाहर खींचकर ब्रह्मणीय सागर में छिपाने का प्रयास किया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया और धरती को पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यपु को बहुत ही क्रोध आया और महादेव से कई तरह के वरदान पाकर वह स्वयं को अमर समझने लगा। यही दो भाई जय और विजय थे जो कि हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष के रूप में जन्म लिए थे। और इधर हिरण्यकश्यप
भगवान विष्णु की सत्ता को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करने लगा। यहाँ तक उसने अपने नारायण भक्त पुत्र प्रहलाद को भी सताना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया और इस तरह भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को उसके इस जन्म से मुक्ति दिलाई। फिर जय विजय अपने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। इस जन्म में रावण लंका का राजा था और कुंभकर्ण उसका भाई। तब प्रभु ने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्र राम के रूप में जन्म लिया और फिर प्रभु श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल एवं दंतवक्र के रूप में जन्म लिए। इसके जन्म के समय नारायण अपने पूर्ण रूप में भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण बनकर धरती पर आए। जय और विजय भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र के रूप में जन्मे थे शिशुपाल और दंतवक्र के नाम से। भाई होने के बाद भी ये दोनों भगवान कृष्ण से वैर रखते थे और प्रभु को शत्रु मानते थे। इनके बुरे कर्मों के चलते इस जन्म में श्री हरि ने इनका वध किया। इस प्रकार से दोनों तीन जन्मों तक प्रभु के शत्रु के रूप में जन्मे और प्रभु के हाथों मुक्ति के बाद वे पुनः जय विजय के रूप में वैकुंठ को लौट गए। प्रिय दर्शकों, लिंग पुराण में सनकादिक मुनि से जुड़ी एक और कथा कही जाती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शिव जी तथा माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। भगवान शिव माता जगत जननी को बड़ी ही मनोहर कथा सुना रहे थे और माता पार्वती को कथा सुनकर बड़ा ही आनंद आ रहा था। तभी वहां पर चारों सनकादि ऋषि आ जाते हैं और महादेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान शिव ने उन्हें आने का कारण पूछा। तब चारों कुमारों ने भगवान शिव से कथा सत्संग सुनाने की इच्छा व्यक्त की, किंतु माता पार्वती को इस समय चारों सनकादि मुनि का आना यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। तब वे मन ही मन सोचने लगी कि एक तो प्रभु ज्यादातर समय समाधि में लीन रहते हैं और जब समाधि से बाहर आते हैं तभी उनके दर्शन हो पाते हैं और उनकी अमृत से भरे वचन सुनने को मिलते हैं, उनके साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होता है। तभी ये चारों कुमार भी उसी समय हर बार आ पहुँचते हैं। मेरे हिस्से का समय इन चारों कुमारों को मिलता है। माता पार्वती को इस तरह चिंतित देखकर महादेव ने माता पार्वती से पूछा, हे पार्वती, आप क्यों दुखी हैं? आप क्या विचार कर रही हैं? तब माता पार्वती ने कहा, हे देवाधिदेव, हे पति परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, जब आप मेरे साथ सुखद समय व्यतीत कर रहे होते हैं तभी इन चारों कुमारों का आना होता है और ये आपसे कथा कहानी सुनाने को कहते हैं और आप मुझे भूलकर इनको कथा कहानी सुनाने में लग जाते हैं और ये चारों कुमार ऊंट की तरह गर्दन उठाए सुनते हैं, तो मैं इन चारों कुमारों को श्राप देती हूँ कि ये तत्पश्चात ऊंट बन जाएं। आप देखिए, माता पार्वती ने तो श्राप दे दिया। माता पार्वती के मुख से ये बातें सुनकर चारों कुमारों ने भगवान शिव तथा माता पार्वती को प्रणाम कर वहाँ से चले जाते हैं और वे ऊंट बनकर मरुभूमि में विचरण करने लगते हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आपने ये क्या किया? एक भक्त को आपने श्राप दे दिया। देवी, अपने आराध्य का कथा कहानी सुनने वाले भक्त तथा सुनाने वाले को परम आनंद की प्राप्ति होती है। श्री हरि उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं, तो ऐसे में उनसे कोई अपराध नहीं हुआ है। आपने बेवजह उन्हें दंड दिया है। हे पार्वती, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए और पुनः उनका असली स्वरूप लौटाइए। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत पश्चाताप होता है। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझसे तो गलती हो गई, चलिए अभी चलते हैं, उन चारों कुमारों को उनके पुनः रूप में लाते हैं। यह कहकर माता पार्वती और भगवान शिव उस मरुभूमि में जाते हैं जहाँ पर चारों कुमार ऊंट बन के विचरण कर रहे थे। जब माता पार्वती वहाँ पहुँचती हैं तब चारों कुमार अपने समक्ष माता पार्वती भगवान शिव को देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं। हे चारों सनकादि कुमार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अनायास ही
आप चारों को श्राप दे दिया। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ, तुम्हारा पहले का स्वरूप वापस प्रदान करती हूँ। यह सुनकर चारों कुमारों ने कहा, नहीं नहीं माता, आप ऐसा ना करें। आपने हमें जो श्राप दिया है वो तो वरदान स्वरूप है। हे माता, हम ऊँट बनकर बहुत प्रसन्न हैं। माता, हमने ऊँट बनकर जाना है कि हमें तो किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। पहले तो हमें लगोटी की, कमंडल की, अन्य प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती थी, तब जाकर हम भगवान का भजन करते थे। अब तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, ना तो किसी वस्त्र की, ना लुटिया की। हमारा कीमती समय इन सब चीज़ों को एकत्रित करने में व्यर्थ नहीं होता है, और हमें तो खाने की भी कोई चिंता नहीं है। हम तो भिक्षा मांगकर अपना पेट पालते थे। हे देवी, आपकी कृपा से आज के बाद हमें वो भी समस्या नहीं है। हम तो पूरा समय भगवान की भक्ति में समर्पित करते हैं। पहले हम भिक्षा मांगकर खाते थे तो उसमें समय व्यर्थ होता था, अब तो पेड़ पर लगे पत्ते चबाकर हमें बहुत सुकून मिलता है। हे देवी, हमारा समय बचाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम भगवान की भक्ति में इस तरह हमेशा लीन रहते हैं, हमें पुनः अपने रूप में नहीं आना। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे पुत्र, ऐसा क्यों कहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारा पुनः का स्वरूप वापस करती हूँ। यह कहकर माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया। वे चारों कुमार अपने पहले के स्वरूप में वापस आ जाते हैं और माता पार्वती को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रिय भक्तगणों, तो यह थी संकादिक मुनियों की महिमा और उनकी जन्म कथा। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने संकादिक मुनि का जन्म लिया, और इनके जन्म से ही शुरू होता है भगवान विष्णु के अन्य अवतार। आगे हम इन्हीं अवतारों के बारे में जानेंगे। इनके कुल मिलाकर 24 अवतार हैं, जिनमें की 10 प्रमुख अवतार हैं। इन्हीं अवतारों का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। हर एक दिन आपको नए अवतार के बारे में जानकारी देंगे और कथा का श्रवण कराएंगे। इस प्रकार से वे चारों कुमार आजीवन 5 वर्ष के ही रहते हैं और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। इनका सिर्फ एक काम है, भक्ति भक्ति और भक्ति, और ये परम ज्ञानी भी हैं। 5 वर्ष के होते हुए भी इनके अंदर ज्ञान का सागर है। इन्होंने ही सर्वप्रथम भागवत गीता अपने प्रिय शिष्य नारद जी को सुनाया था, और नारद जी ने बाकी के अन्य मुनियों और ऋषियों को सुनाया। उन ऋषियों और मुनियों से होते हुए यह भागवत कथा हमें सुनने को मिला। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। प्रेम से बोलिए, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाग धारा हे वासुदेवा। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि भगवान विष्णु के दूसरे अवतार का क्या नाम है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जयति जयति जगत जननी, जयति जगत पालिके, जय भवानी भैरवी मृडालिनी शिवालिके। विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय मां संकटा, जय मां भवानी। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका धर्म गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज शुक्रवार के दिन बड़े ही पावन दिन पर हम श्रवण करेंगे माता संकटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने तथा कथा को श्रवण करने से माता संकटा सभी कष्टों से मुक्ति देती हैं, निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान बनाती हैं, निर्बल को बलवान, अभागों को भाग्यशाली बनाती हैं, स्त्रियों का सुहाग अखंड होता है, कुवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी है माँ संकटा की महिमा। ये स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ भवानी हैं। आज के दिन जो भी इस कथा को बड़ी ही भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक सुनता है,
उसके सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उनका भाग्य बदल जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आप सभी भक्तगण इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन्न चित मन से सुनिएगा। प्रिय भक्तगणों, इससे पहले हम कथा को शुरू करें, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह पुण्य फलदायी कथा। ओम गं गणपतये नमः। जय माता संकटा। एक बुढ़िया माई थी। उस बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम रामू था। रामू धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया माई अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि उनकी बहू उन्हें हर समय नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया माई प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती थी और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया माई का यह क्रम रोजाना का था। जब भी उस बुढ़िया माई की बहू उसे डांटा करती, उसे अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सब काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामू की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराया। अपनी सभी भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को भोजन कराना। ऐसा कराने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चले गए। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार भक्ति पूर्ण भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा कराने से उनका बिगड़ा हुआ सारा काम सुधर गया, सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज भोगने लगे। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने सास बहू के बीच की कड़वाहट को मिटाया, उन्हें धनवान बनाया और रानी का राजपाट उन्हें सौंप दिया, उसी प्रकार सभी के कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए जय हो संकटा।